हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक सफर के दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक सहाबी किसी पहाड़ी रास्ते में मीठे पानी के एक छोटे से चश्मा पर से गुजरे। वह चश्मा उम्दा होने की वजह से उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने जी में अपने मन में ही कहा कि कितना अच्छा चश्मा है, क्या ये चश्मा को अच्छा है कि मैं लोगों के किनारशक होकर इस घाटी में ही ठहर जाओ। लेकिन मैं यह काम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इजाजत लिए बगैर हरगिज नहीं करूंगा। उसके बाद दोस्तों, इस ख्याल के जिक्र उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने किया तो आपने इरशाद फरमाया, ऐसा ना करना, क्योंकि तुम में से किसी भी शख्स का अल्लाह ताला के रास्ते में थोड़ी देर खड़े रहना उसके अपने घर में रहकर 70 साल नमाज पढ़ने से बेहतर है। क्या तुम लोग नहीं चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मगफिरत फरमा दे और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा दे? अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करो। जो शख्स इतनी देर भी अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ जितना वक्त एक उठनी से दूध दुहने में दोबारा ठंड दबाने में दरमियान होता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस्लामिक मालूमात है। जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अगर दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए।